आप सबों को कल्याणी कबीर का नमस्कार। सबसे पहले मैं गृहस्वामिनी को शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहती हूं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी और लॉकडाउन जैसे रुकी हुई जिंदगी के पलों में भी इन्होंने साहित्य की साधना को, काव्य के रस को एक प्रवाह दिया है, आगे बढ़ने का एक अवसर दिया है। और साथ ही हम जैसे बहुत सारे साहित्यकारों को, साहित्य साधकों को, साहित्य के विद्यार्थियों को ये अवसर दिया है कि हम अपनी साधना और शब्दों और भावों से जो हमारी दोस्ती है, जो हमारी मित्रता है, हम उसे बनाए रखें, उसे जीवंत रखें। तो इस बात के लिए गृहस्वामिनी और गृहस्वामिनी की संपादिका अपर्णा संत सिंह जी, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ, सारा श्रेय उन्हें जाता है। कुछ पंक्तियाँ आप सबों के साथ साझा करना चाहती हूँ। जाहिर है इन पंक्तियों पर कोरोना के इस काल का, इस क्षण का थोड़ा सा असर है। वक्त की फितरत है बदलने की, बदल जाएगा। वक्त की फितरत है बदलने की, बदल जाएगा। ये जो मौसम बुझा बुझा है, संभल जाएगा। वक्त की फितरत है बदलने की, बदल जाएगा। ये जो मौसम बुझा बुझा है, संभल जाएगा। घड़ी बस दो घड़ी की बात है मेरे रहबर, घड़ी बस दो घड़ी की बात है मेरे रहबर। हवा जो ला रही जहर है, ठहर जाएगा। जख्मी तलवे लिए जो लौट गया गांव अपने, आपने देखा ही होगा कि कोरोना के प्रचार प्रसार के बाद घबराहट में बहुत सारे ऐसे मजदूर थे, बहुत सारे ऐसे कर्मयोगी थे जो जहां भी काम कर रहे थे घबराहट में, वो सभी वापस अपने गांव में लौटने की प्रक्रिया में आ गए और बहुत सारे कड़वे अनुभवों से उन्हें गुजरना भी पड़ा। दो पंक्तियाँ उन्हीं को नमन करते हुए उनके लिए ही कि जख्मी तलवे लिए जो लौट गया गांव अपने, मुझे लगता नहीं कि अब वो शहर जाएगा। और अंतिम दो पंक्तियाँ, कबीर कैद है अब खुद ही खुद के आंगन में, कबीर कैद है अब खुद ही खुद के आंगन में, लिए ये आस की ये दौर गुजर जाएगा, लिए ये आस की ये दौर गुजर जाएगा। वक्त की फितरत है बदलने की, बदल जाएगा। ये जो मौसम बुझा बुझा है, संभल जाएगा।